हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एडमिट कार्ड निकालने के लिए यदि आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन आईडी गुम हो चुकी है या किसी तरीके से आपको नहीं मिल रही है, तो दोस्तों एक तरीका और है जिससे आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकती हो। दोस्तों देखिएगा प्रोसेस अंत तक किस प्रकार आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। दोस्तों सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट खोलें। ऑफिशियल साइट खोलेंगे तो दोस्तों एडवर्टाइज नंबर 4/2018 ग्रुप डी, क्योंकि हम ग्रुप डी का रोल नंबर निकाल रहे हैं, तो ग्रुप डी जो ये लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। हमने इस पर क्लिक की दोस्तों, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन निकल रहा है। लॉगिन आईडी के लिए हेल्प सेंटर, विजुअल टूर दोस्तों, फिर ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। ये ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन जो तीन लिखा ये दिखेगा, इस पर क्लिक करना है हमें। यहाँ क्लिक करना है, हमने क्लिक किया दोस्तों, और क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आया है होम। क्लिक करने के बाद दोस्तों होम, नोटिफिकेशन, FAQs, कॉन्टैक्ट, एडवर्टाइजिंग नंबर और लॉगिन। दोस्तों लॉगिन पर हमें क्लिक करना है, लॉगिन पर क्लिक किया हमने तो दोस्तों ये मिला हमें। लॉगिन के बाद हमें ये मिला लॉगिन पासवर्ड भरना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना है। दोस्तों अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तब एक ज़रिया और है, आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पर इस पर क्लिक किया दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों सूचनाएं, विज्ञापन, फॉरगेट लॉगिन आईडी। यदि आपके पास लॉगिन आईडी है और पासवर्ड नहीं मालूम है, अगर आपके पास लॉगिन आईडी हो और पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो दोस्तों जरिया है लॉगिन आईडी, इसमें भरिए और गो पर जाइए। लॉगिन आईडी भरिए और गो पर जाइए। और एक और है दोस्तों, अगर आपके पास न लॉगिन आईडी है न पासवर्ड है, और दोस्तों फॉर्म फिल करते समय यदि आपने मोबाइल नंबर भरा है तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अब लॉगिन आईडी पर जो ये ब्लैक निशान है इसको हटा के हमें इस पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर पर हमने ये क्लिक किया, ये ब्लैक हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। फिर हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर फिल किया। मान लिया मैं किसी दोस्त का मोबाइल नंबर है दोस्तों, ये गो पर चले गए, गो किया मैंने। उसके बाद दोस्तों आया इस जो ये मोबाइल नंबर हमने भरा था इस पर पासवर्ड जाएगा और पासवर्ड जाने के बाद उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा दोस्तों, और उस पासवर्ड को फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा दोस्तों। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं या किसी अन्य प्रकार की कोई दिक्कत है तो ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे, नो प्रॉब्लम दोस्तों। देखिए दोस्तों लॉगिन आईडी यानी पासवर्ड, मोबाइल नंबर भरना है दोस्तों। मोबाइल नंबर आपने भरा, एक दोस्त का और है दोस्तों, मैंने ये मोबाइल नंबर फिल किया है, ये फिल किया। उसके पास दोस्तों पासवर्ड चला गया, आप देख सकते हैं कि पासवर्ड उसके पास चला गया है, ये देखिए दोस्तों पासवर्ड उसके पास चला गया है। पासवर्ड का जब ऑप्शन आएगा आप फिल कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा उससे पहले यदि आपके पास न तो मान लिया आपके पास लॉगिन आईडी है और न ही पासवर्ड है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया द्वारा आप अपना रोल नंबर निकलवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यदि आपके पास लॉगिन आईडी है, पासवर्ड नहीं है, तो लॉगिन आईडी भरकर जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, लॉगिन आईडी यहाँ पे भरकर गो पर जाएंगे, उसके बाद जो प्रोसेस मांगेगी उसको फॉलो करना पड़ेगा। और दोस्तों यदि मोबाइल नंबर अगर आपके पास न लॉगिन आईडी है और न ही पासवर्ड है, तो मोबाइल नंबर के जरिए आप अपना आवेदन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी रही है आपके लिए यह वीडियो, जरूर क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यूथ इंडियन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा तुरंत हम इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। कृपया इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।